इस वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लोन अथवा चक्रवात रिमेल के बारे में, जो कब लैंडफॉल करेगा और कितनी गति रहेगी इसकी, इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। ये अभी साइक्लोन कैटेगरी में आ चुका है। अभी इसकी हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। अभी ये चक्रवात और तेज होता जा रहा है और धीरे धीरे भारत और बांग्लादेश के बीच में आगे बढ़ रहा है। इस चक्रवात का अभी का स्थिति देखकर ऐसा लग रहा है ये 27 तारीख को रात को 1 बजे लैंडफॉल करेगा बांग्लादेश और भारत के बीच में। कोलकाता के आसपास कर सकता है ये लैंडफॉल। ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाकर ये दिशा भी बदले और टाइम भी चेंज हो जाए, लेकिन अभी का स्थिति देखकर ऐसा ही लग रहा है मैंने बताया उस तरह के 27 तारीख को रात को 1 बजे लैंडफॉल कर सकता है ये। इसका असर अभी से वहाँ दिखना शुरू हो गया है। अभी वहाँ हवा की स्पीड 40 के आसपास है और हल्की बारिश भी हो रही है। आगे जाकर भारी बारिश भी हो सकती है वहाँ पर और तेज हवा भी चल सकती है। इस चक्रवात का आधे भारत में असर होगा और बारिश भी हो सकती है। इसके साथ ही प्री मॉनसून एक्टिविटी और जोर पकड़ेगी। ये चक्रवात जब लैंडफॉल करेगा तब हवा की स्पीड 100 के आसपास रहेगी और भारी नुकसान भी कर सकता है। अब देखिए चक्रवात कहाँ है, अभी लाइव लोकेशन दिखा रहा हूँ। देखिए ये चक्रवात रहा, वो काले हिस्सा दिख रहा है सफ़ेद और काला, वो बादल है। देखिए कैसे बढ़ रहा है ये आगे धीरे धीरे, कितना ज़्यादा बड़ा बादल बना रहा है। देखो भारत से लेकर म्यांमार तक इसका बादल फैला हुआ है। ये चक्रवात नुकसान करेगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा दूसरे चक्रवातों की तरह, क्योंकि इसकी स्पीड कम रहेगी ऐसा भी माना जा रहा है। जो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें।